Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the process of coagulation and flocculation, which is the most important part of the water treatment plant. And coagulation and flocculation is the process which is used to remove the suspended solids and colloidal particles, or up to some extent it can remove dissolved solids. So let's start. First, we will see the introduction. What is the purpose of coagulation? In simple terms, I will tell you what is coagulation and flocculation. Coagulation means it is the addition of coagulant, or it is the addition of chemical to the water. Okay, and flocculation is the process of formation of flocs. In simple word. Okay, so पहले देखते हैं कि coagulation का purpose क्या है. Coagulation क्यों करना चाहिए? Water में chemicals या coagulant क्यों add करना चाहिए? First, the efficiency of plain sedimentation is low for fine suspended solids and colloidal particles. Efficiency जो है fine suspended solids की और colloidal solids की जो efficiency है वो बहुत कम है. अगर simply sedimentation किया गया या फिर plain sedimentation without any chemical sedimentation किया गया तो उसकी efficiency जो होती है बहुत कम रहती है. इसीलिए भी हम क्या करते हैं, coagulation करके वो fine suspended solids भी और colloidal particles भी क्या करते हैं, remove करते हैं. Then particles that won't settle in reasonable time are stable particles, so they need to be destabilized. Particles जो reasonable time है, कम समय में अगर कोई particle जो settle नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, settleable particle या फिर unstable particle भी कहा जाता है. अभी जो stable particle से stable particle क्यों कहा जाता है, एक्चुअली वो रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन क्या करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं. वो पार्टिकल क्या करता है, वाटर में ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन क्या करता है, फॉलो करता है. उसके हिसाब से पार्टिकल के हिसाब से वो जो ब्राउनियन मोशन मोशन है वो स्टेबल है, और हमें क्या करना है उसकी जो स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है. इसलिए उसको डिस्टेबलाइज करना, कोएगुलेंट ऐड करने के बाद हम उसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी तोड़ कर उसको डिस्टेबलाइज बना सकते, यानी कि वो आगे जाके सेटल हो सके. उसके बाद में फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स टेक्स मोर टाइम टू सेटल. अब फाइनली डिवाइडेड सॉलिड जो रहेंगे जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स और सस्पेंडेड सॉलिड जिनकी पार्टिकल साइज कम है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं. हेंस देयर साइज इज टू बी इंक्रीज टू रिड्यूस द डिटेंशन टाइम. अगर सेटलिंग टाइम अगर हमें कम करना है, सेटलिंग टाइम जो सेडिमेंटेशन टाइम में डिटेंशन टाइम बोलेंगे वो कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड जो है, कोलाइडल सॉलिड जो है, उनकी साइज क्या करनी है, बढ़ानी पड़ेगी. उसकी साइज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, अगर हमने उसमें केमिकल ऐड कर दिया, सपोज हमने उसमें क्या किया, ऐड किया कोगुलेंट ऐड किया, तो कोगुलेंट क्या करेंगे, तो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या करेंगे, स्टेबल अनस्टेबल करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे. उसके बाद डिस्टेबलाइज करने के बाद क्या होगा, दो पार्टिकल है, सपोज दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को स्टेबल कर दिया आपने, दो पार्टिकल को स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड किया थी उसके बाद में. उसके बाद में स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड करने का दो पार्टिकल एक कोएगुलेंट ऐड करेंगे, केमिकल ऐड करने का जीएटीएस चिकट जो है वो जिलेटियस मटेरियल तैयार होता है, वहाँ पर जिलेटियस फ्लॉक्स बोलते हैं उसे तैयार होता है. उस वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल जो रहेंगे, जो पार्टिकल रहेंगे फाइन सस्पेंडेड सॉलिड जो रहेंगे वो क्या हो जाते हैं, वो एक में को अटैच हो जाते हैं. उससे क्या हो जाता है, उनकी जो साइज है उनकी साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ गई तो क्या होगा, इजिली वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन टाइम में सेटल होंगे, और उनका जो डिटेंशन टाइम है ऑब्वियसली डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, डिटेंशन टाइम भी कम हो जाएंगे. देन कोगुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व एडिंग आयन और एल्यूमिनियम सॉल्ट. जनरली कोगुलेशन प्रोसेस में आयन और एल्यूमिनियम सॉल्ट डालते हैं, जैसे कि जिसे हम कोगुलेंट कहते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइज डॉट 18H2 एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, देन फेरिक सल्फेट, देन फेरिक क्लोराइड और पॉलीमर टू द वाटर. ये क्या करते हैं, कोगुलेशन प्रोसेस में ऐड करते हैं. उसे क्या कहा था, कोगुलेशन कहा था. जो केमिकल्स ऐड करे, दिस केमिकल्स आर कॉल्ड एज कोगुलेंट्स एंड दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज. उनके ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. मोस्टली जो कोगुलेंट यूज करके हम उन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. ऐसा क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, सॉइल और क्ले सिल्क के जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनके जो उन पर जो चार्ज होता है उन पर चार्ज होता है निगेटिव. इसीलिए हमें अपोजिट, इन्हें डिस्टेबलाइज करने के लिए अपोजिट आयन के आयन्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. अपोजिट आयन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज केमिकल्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे. वो जो पॉजिटिवली चार्ज केमिकल्स है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, देन फेरिक क्लोराइड, पॉलीमर्स, पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर्स, तो ये सब क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. तो पॉजिटिवली चार्ज
The positive charge of the problem neutralizes the negative charge of the colloidal and suspended particle in the water. जो negative charge है, suppose ये एक particle है, ये negative charge का particle है, दूसरा negative charge का particle है. अब ये पार्टिकल पे जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल हो गए. जो निगेटिव चार्ज था पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल हो गए. तो न्यूट्रल होने के बाद क्या हो जाएगा, जब हम फ्लोकुलेशन में ये दोनों पार्टिकल को नजदीक लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. क्योंकि जो फ्लॉक्स है फ्लॉक्स थोड़े चिपट रहते हैं जिलेटियस रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स और पार्टिकल एक में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. अगर अगर ये सपोज इनपे का चार्ज रिमूव नहीं हुआ, सपोज अगर इनपे का चार्ज रिमूव नहीं हुआ तो क्या होगा, सपोज ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल, दोनों पे क्या है निगेटिव चार्ज है. अभी निगेटिव चार्ज इनपे का रिमूव नहीं हुआ तो क्या होगा कि दोनों क्या होंगे, एक में को रिपेल करेंगे. क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज दोनों का निगेटिव चार्ज है, इसलिए हमें पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसीलिए क्या होगा कि जो पार्टिकल साइज इंक्रीज हो जो होना है वो पार्टिकल साइज इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए हमें अपोजिट चार्ज अपोजिट चार्जेस क्या करने पड़ते हैं उसमें ऐड करने पड़ते हैं. देन चार्ज न्यूट्रलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल फ्लोकुलेशन. पार्टिकल की साइज जो है वो पार्टिकल की साइज फ्लोकुलेशन या फ्लोकुलेटरी यूनिट में हमें बढ़ानी पड़ती है, फ्लोकुलेशन फ्लोकुलेटरी यूनिट में बढ़ती है. लेकिन चार्ज न्यूट्रलाइजेशन जो है वो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हमें कोएगुलेशन प्रोसेस में करना पड़ता है, उस वजह से जो पार्टिकल्स और पार्टिकल की साइज जो है वो बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे. Next, coagulation is defined as the process of addition of chemicals to the chemical to the water to neutralize charge on the particle to form larger particle which can be removed easily. Coagulation क्या है? It is simply addition of chemicals. The addition of chemicals to the water. इसके लिए करना है कि neutralize the charge on the particle. Particle पे का जो charge है वो हमें neutralize करने का है. Neutralize करने के क्या होगा? To form लार्जर पार्टिकल विच कैन बी रिमूव इजिली. लार्जर पार्टिकल फॉर्म करेंगे तो सेडिमेंटेशन में इजिली रिमूव हो जाएंगे, अगर स्मॉलर पार्टिकल देंगे तो इजिली रिमूव होंगे. इसलिए कोएगुलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ केमिकल टू द वाटर टू न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन द पार्टिकल टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल विच कैन बी रिमूव इजिली. इधर के डायग्राम में देखिए, जैसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको ये सब पार्टिकल दिख रहे हैं, पार्टिकल जो पार्टिकल की साइज कम है सपोज, तो उसमें हमने सपोज केमिकल ऐड किया, कोएगुलेंट क्या किया ऐड किया और मिक्सिंग रैपिड मिक्सिंग प्रोवाइड किया. केमिकल ऐड करने के बाद क्या होगा कि जो फ्लॉक्स फॉर्म है वो फ्लॉक्स या फिर जिलेटिस मटेरियल जो फॉर्म होगा क्या होगा, पार्टिकल पे जाके अटैच हो जाएंगे, पार्टिकल पे जाके क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे और चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होगा. फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, फ्लोकुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, स्लो मिक्सिंग करेंगे कि तीनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, तीनों पार्टिकल एक मिनट को अटैच हो जाएंगे. तीनों पार्टिकल क्या होंगे, क्योंकि इनपे का चार्ज जो था निगेटिव चार्ज वो रिमूव हो गया और ये जिलेटियस मटेरियल से भी अटैच हो गए, तो फ्लोकुलेशन में क्या होंगे, तीनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, तीनों पार्टिकल अटैच होकर एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करेंगे. अब बड़ा पार्टिकल फॉर्म होगा तो वो सेडिमेंटेशन में क्या होगा, इजिली सेटल होगा, क्योंकि उसकी सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ गई, स्पेसिफिसिटी बढ़ गई, वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, इसीलिए क्या हो जाएंगे, इजिली सेटल होंगे. फ्लोकुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन इज द एग्लोमरेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड कोलाइड्स टू फॉर्म सेटलेबल और फिल्टरेबल पार्टिकल. कोएगुलेशन में क्या करते हैं कि जो स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स है या फ्लॉक्स है उन्हें कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल बनाया जाता है, उसे फ्लॉक्स बोलते हैं, जो कि सेटलेबल हो और फिल्टरेबल हो. सेटलेबल हो यानी कि जो इजिली सेटल हो रिजनेबल टाइमिंग, और फिल्टरेबल होने अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए पास किए जाए तो उसका फिल्ट्रेशन भी क्या हो, इजिली फिल्ट्रेशन हो, तो वो प्रोसेस क्या कहेंगे, फ्लोकुलेशन कहेंगे. A separate flocculation process is most often included in the treatment unit process of this treatment train to enhance contact of destabilized particle and to build flocks flock particles of optimum size, density and strength. Now flocculation jo generally separate unit provide kiya jata hai kyunki flock formation ye sabse important process hai, destabilization of particle bhi important process hai. Agar ek bar particle एक बार अगर फ्लॉक्स फॉर्म हो गए तो उसकी क्या हो जाएंगी, साइज बढ़ जाएंगी, डेंसिटी बढ़ जाएंगी, सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएंगी, और उस वजह से जो पार्टिकल और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में इजीली सेटल होंगे. इसीलिए जनरली फ्लोकुलेशन टैंक जो फ्लोकुलेशन टैंक सेपरेट प्रोवाइड किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, कोएगुलेशन टैंक इन एसोसिएशन विद जैसे कि एरेशन के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं कभी कभार, उसे सेपरेट यूनिट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, फ्लोकुलेशन के हमें सेपरेट यूनिट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा.
चार्ज न्यूट्रलाइजेशन जो मेन वैसे भी चार्ज न्यूट्रलाइजेशन इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग ऐसे स्वीप स्वीप कोगुलेशन ऐसे चार पांच मैकेनिज्म है कोगुलेशन प्रोपुलेशन के लेकिन चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है वो कैसे होता है देखने सपोज ये पार्टिकल एक बड़े साइज का जो पार्टिकल है बड़े साइज का पार्टिकल है तो बड़े साइज के पार्टिकल पे सॉरी स्मॉल साइज का पार्टिकल है मैक्रो स्केल पे दिखा रहा है बड़े स्केल पे दिखा रहा है तो इसकी निगेटिव चार्ज है ये सब क्या उसका निगेटिव चार्ज है हमें क्या करना है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ क्लाउड ऑफ काउंटर आयंस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विथ क्लाउड काउंटर इस पर काउंटर आयंस डालने काउंटर आयंस अपोजिट चार्ज के आयंस ये निगेटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज एलम जो एलम पॉजिटिवली चार्ज एल थ्री प्लस फॉर्म करेंगे वो क्या करने है हमें इसमें ऐड करने ठीक है तो एलम ऐड करने के बाद क्या होगा इस पे का जो निगेटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज निकल जाएंगे कि एल एल थ्री प्लस है और उस पे का निगेटिव चार्ज है नहीं जो पार्टिकल पहले अनस्टेबल था सर वो जो पार्टिकल पहले स्टेबल था ब्राउनिंग मोशन फॉलो कर रहा था रैंडम मोशन फॉलो कर रहा था वो अब क्या करेंगे रैंडम मोशन फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या होगा डिस्टेबलाइज हो गए क्योंकि डिस्टेबलाइज उस पे का जो चार्ज था उस पे का चार्ज काउंटर काउंटर आयंस के वजह से न्यूट्रल हो गया तो ये था चार्ज न्यूट्रलाइजेशन देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन अब कौन कौन से फैक्टर्स है कोएगुलेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हुए देखेंगे कोएगुलेशन प्रोसेस की इफिशियंसी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड है फर्स्ट टाइप ऑफ कोएगुलेशन कौन से टाइप का कोएगुलेशन हम यूज करते हैं जनरली बहुत अलग अलग टाइप की कोएगुलेंट यूज की मार्केट में अवेलेबल है एल्यूमिनियम बेस्ड है फेरिक बेस्ड है सोडियम बेस्ड है पॉलीमर्स है नेचुरल कोएगुलेंट्स ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या कोएगुलेंट्स और हर एक कोएगुलेंट का अलग अलग पर्पज है अलग अलग वाटर में अलग अलग क्वालिटी के वाटर में इसलिए कौन सा टाइप का कोएगुलेंट यूज करें वो भी इंपॉर्टेंट है उसकी इफिशियंसी फाइंड करने के लिए अगर हमें कलर रिमूव करना रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे आई एंड सॉल्ट रिमूव करें यूज करेंगे अगर हमारे पास इकोनॉमी कम है पैसा कम है तो हम क्या करेंगे एलम सॉल्ट यूज करेंगे ठीक है तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोएगुलेंट यूज किए जाते हैं इसलिए जो कोएगुलेशन की इफिशियंसी वो डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ कोएगुलेंट कौन सा है देन क्वांटिटी और डोज ऑफ कोएगुलेंट अब कितने क्वांटिटी में हम कोएगुलेंट ऐड कर रहे हैं कितना डोज दे रहे हैं कोएगुलेंट का सपोज कम हमने टर्बिडिटी को सपोज 50 NTU सपोज 50 NTU टर्बिडिटी और हमने उसको सपोज 10 mg/L एलम ऐड किया कम क्वांटिटी में एलम ऐड किया एलम का जो डोज दिया है कोएगुलेंट का जो डोज दिया है हमने सपोज कम प्रोवाइड किया एक्चुअल में उसे प्रोवाइड करना तो ज्यादा लेकिन हमने कम प्रोवाइड किया तो उस समय भी हमारी इफिशियंसी भी ज्यादा नहीं मिलेगी इसलिए कोएगुलेंट का जो डोज है वो ऑप्टिमम चाहिए ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं चाहिए कम का तो एग्जाम्पल बता दे ज्यादा भी क्या होगा ज्यादा अगर हमने कोएगुलेंट ऐड किया तो क्या होगा कि जो चार्ज न्यूट्रल हुआ है और जो चार्ज न्यूट्रल हुआ वो चार्ज फिर से जो है वो जो डिस्टेबलाइज पार्टिकल को हमने जो डिस्टेबलाइज किया वो पार्टिकल फिर से स्टेबल हो सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में कोएगुलेंट अगर ऐड किया जाए इसीलिए ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कोएगुलेशन प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वाटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड है सच एज टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड मैटर कौन से टाइप के ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है सॉइल है क्ले पार्टिकल है कौन से टाइप के सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो भी इम्पोर्टेंट है देन टेम्परेचर ऑफ वाटर वाटर का टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट रहेंगे सोलिबिलिटी पे इफेक्ट करेंगे देन विस्कोसिटी पे इफेक्ट करेंगे तो और कोई भी कोएगुलेंट जो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर ही इफेक्टिवली वर्क करेंगे इसीलिए टेम्परेचर ऑफ वाटर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन के लिए देन पीएच ऑफ वाटर पीएच ऑफ वाटर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है पीएच अब हर एक जो कोएगुलेंट है वो हर एक कोएगुलेंट एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही वर्क करता है उसके बाहर अगर पीएच गई तो उस समय क्या होता है कि जो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और उसके बाद हमें जो क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट लगेंगे क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट भी ज्यादा लगेंगी इसलिए जनरली पीएच ऑफ वाटर जो ऑप्टिमम पीएच रेंज में ही मेंटेन की जाती है जब हमें कौन सा एक पर्टिकुलर टाइप का कोएगुलेंट अगर यूज करना है सब जैसे कि एलम है एलम की ऑप्टिमम पीएच रेंज 6 to 8.5 फेरिक सॉल्ट है तो फेरिक सॉल्ट के सॉल्ट के 4 to 7 एंड अबव 9 ठीक है तो ये जो है ये पर्टिकुलर रेंज में ही जो कोएगुलेंट इफेक्टिवली वर्क करता है इसलिए पीएच जो है वो वाटर की मेंटेन करनी पड़ती है थ्रू आउट द प्रोसेस देन
टाइम टर्बुलेंस एंड मेथड ऑफ मिक्सिंग, कौन से टाइप की मिक्सिंग कर रहे हैं, हाइड्रोलिक मिक्सिंग कर रहे हैं या मैकेनिकल मिक्सिंग कर रहे हैं, टर्बुलेंस कितना हो रहा है जहाँ पे तुम वाटर जहाँ पे तुम केमिकल मिक्स कर रहे हैं, टर्बुलेंस प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, मिक्सिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, कितने टाइम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली 1 मिनट सफिशियंट रहता है मिनिमम, और मैक्सिमम टाइम जो वो मिनिमम 1 मिनट सफिशियंट है रैपिड मिक्सिंग के लिए, इसलिए प्रॉपर टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं मिक्सिंग के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए। तो ये सब थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन। देन कॉमन कोएगुलेंट्स, अब कौन कौन से कोएगुलेंट्स है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो फर्स्ट मेनली एल्यूमिनियम एंड आयरन सॉल्ट, सॉरी मेनली एल्यूमिनियम और आयरन सॉल्ट यूज किए जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, उसे कॉमनली कहा जाता है एलम, बहुत ज्यादा यूज वर्ड यूज होता है एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट ना यूज करके एलम यूज किया जाता है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, Al2SO4 5.18H2O। उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछी जाती है, कौन से कितना डोज एलम का लगे, कितनी क्वान्टिटी एलम की लगे, इतना इतना वाटर क्वान्टिटी अवेलेबल है, इतनी अल्कलिनिटी प्रेजेंट है। देन पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड PaC कहा जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ही है Al2Cl3 या फिर AlCl3, लेकिन इसके जो इसके जो कंपाउंड्स है वो एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, पॉली है इसलिए इसे पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड कहा जाता है। देन क्लोरिनेटेड कॉपरस, क्लोरिनेटेड कॉपरस जो मिक्सर है फेरस सल्फेट और फेरी क्लोराइड का, उसे क्लोरिनेटेड कॉपरस कहते हैं, हम डिटेल में देखेंगे आगे। देन फेरस सल्फेट एंड लाइम, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइम, देन सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आर चीपर बट आयरन सॉल्ट्स आर मोर इफेक्टिव ओवर वाइडर पीएच के। एल्यूमिनियम सॉल्ट जो है वो चीपर है एज कम्पेयर टू फेरस सॉल्ट या फिर आयरन सॉल्ट, बट लेकिन जो इफिशियंसी है आयरन सॉल्ट की जो इफिशियंसी है एज अ कोएगुलेंट वो ज़्यादा, और वो वाइडर पीएच रेंज यानी बड़ी पीएच रेंज के लिए यूज कर होता है। इसीलिए जनरली जहाँ पीएच सपोज 9 के अबव है, जैसे वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर की पीएच सपोज 9 के अबव है, उस समय हम एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करके नहीं चल रहे क्योंकि उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.5 है, और लेकिन आयरन सॉल्ट की जो पीएच है 9 के ऊपर भी वर्क कर सकती है, इसलिए उस समय हमें आयरन सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम सॉल्ट यूज करके चलेंगे। फर्स्ट डिटेल में देखेंगे जो है कोएगुलेंट है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है। सिलेबस के हिसाब से भी एल्यूमिनियम सल्फेट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एल्यूमिनियम सल्फेट का जो डिस्कशन वो इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में और अच्छे से समझ लीजिए। द मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट, इट इज ऑफन यूज इन कंजक्शन विद कैटायनिक पॉलीमर, ये मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट है, और ये जनरली कैटानिक पॉलीमर के साथ यूज किया जाता है। अगर कैटानिक पॉलीमर के साथ यूज करेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी, एल्यूमिनियम सल्फेट की क्वांटिटी भी कम लगेगी और इसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, इसलिए जनरली कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है कैटानिक पॉलीमर के साथ। देन टू प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड फ्लॉक इनफ अल्कलिनिटी शुड बी प्रेजेंट इन वाटर। अब अगर एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर इफेक्टिवली यूज करना है तो एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट ने फ्लॉक्स फॉर्म करने के लिए वाटर में सफिशियंट क्वांटिटी में अल्कलिनिटी प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर वाटर में सफिशियंट क्वांटिटी की अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है तो उस समय क्या होगा कि जो अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है तो उस समय क्या होगा, हमें अल्कलिनिटी ऐड करना पड़ेगी, नहीं तो इफिशियंसी जो उतनी नहीं मिलेगी, प्रॉपरली इफेक्टिवली एलम का यूज नहीं होगा। तो रिएक्शन देखते हैं पहले, वाटर एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर में अल्कलिनिटी रिएक्शन कैसे होती है। इफ अल्कलिनिटी is not enough then it should be added, alkalinity ka karne padega added karne ke liye, usually hydrated lime ke kya hota hai use kiya jata hai alkalinity increase karne ke liye CaOH2। the optimum pH range is 6.5 to 8.5, is pata hai abhi hum thodi der pehle aluminum sulfate ki optimum pH range kya 6.5 to 8.5 ya 6 to 8.5 ye general pH range mein use karte hain। water treatment plant mein mostly aluminum sulfate isi karan se use kiya jata hai कि एक तो इसकी जो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कम है, और दूसरे जो पीएच एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रॉ वाटर की जो पीएच है, रिवर का जो रॉ वाटर है उसकी जो पीएच है ये 6.5 टू 8.5 के रेंज में ही रहती है। इसके जनरली ये वाटर क्या करते हैं, ये पीएच क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डोज ऑफ एलम वेरीज फ्रॉम 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। नॉर्मल जो डोज दिया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का वो 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर दिया जाता है,
डोज डिपेंड्स ऑन टर्बिडिटी, कलर, टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ। इसका जो डोज है वो डिपेंड करता है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टर्बिडिटी कितनी है वाटर में प्रेजेंट, पीएच कितनी है वाटर की, कलर कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो ये सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम है, ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम जो है वो ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जार टेस्ट, जार टेस्ट अपरेटस से जार टेस्ट प्रैक्टिकल करके हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम क्या कर सकते हैं फाइंड करते हैं, यानी कि एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी में हमको हमें एलम पर लीटर वाटर में ऐड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कोगुलेंट तो वो इफेक्टिवली भी यूज होगा, और दूसरा जो क्वांटिटी ऑफ एलम है वो भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा यूज नहीं किया ना, एक्सेस ऑफ कोगुलेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा इकोनॉमी सही है, वहाँ पे क्या होगा अपना पैसा बचेंगे। इसलिए जहाँ टेस्ट यूज किया जाता है ऑप्टिमम कोगुलेंट डोज फाइंड करने के लिए। एलम इज प्रिफर्ड मोस्टली डिफॉल्ट, एलम जो वो मोस्टली प्रिफर किया जाता है कि रीजन से रिड्यूसेस टेस्ट एंड ऑर्डर इन एडिशन टू टर्बिडिटी, टर्बिडिटी के साथ टेस्ट और ऑर्डर भी रिमूव करता है। देन इट इज चीप एंड द फ्लॉक फॉर्म इज क्वाइट टफ टू ब्रोकन, ये जो है चीप है यानी इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है। देन द फ्लॉक फॉर्म इज क्वाइट टफ टू ब्रोकन इजिली, जो फ्लॉक फॉर्म होता है वो इजिली ब्रेक नहीं होता, फ्लोकुलेशन प्रोसेस में होती सेडिमेंटेशन में इजिली ब्रोक नहीं टूटे यानी, तो उसको किसी सेडिमेंटेशन प्रोसेस वो भी क्या होंगी इफेक्टिवली होगी। इट प्रोड्यूसेस क्रिस्टल क्लियर वाटर, एल्युमिनियम सल्फेट के बाद जो ऐड करने के बाद कोगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन के अंदर क्रिस्टल क्लियर वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एलम इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू डी वाटर द स्लज फॉर्म, जो स्लज फॉर्म होने वाला है सेडिमेंटेशन टाइम में आफ्टर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एलम ऐड करने पर, तो स्लज में का वाटर जो है वो वाटर इजिली रिमूव नहीं होता, उसके उसे इजिली हम रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए ये सबसे मेन डिसएडवांटेज है। और एक बात है एल्युमिनियम सल्फेट WT2 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज करने की, जो स्लज फॉर्म है वो स्लज में हम एसिड मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करके जो एलम है एलम को रिकवर भी कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन वो अभी रिसर्च का बात है इसलिए इतने डिटेल में जाएंगे। एल्युमिनियम सल्फेट की डिटेल में अब रिएक्शन देखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट की जैसे मैंने बताया था आपको कि एल्युमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 thrice dot 18H2, जो फॉर्मूला है Al2SO4 thrice dot 18H2 फॉर्मूला है, अब वो रिएक्ट कैसे हो रहा है कैल्शियम बायकार्बोनेट के साथ क्या हो रहा है वो रिएक्ट हो रहा है, कैल्शियम बायकार्बोनेट क्या है बायकार्बोनेट अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी तीन टाइप की रहती है कार्बोनेट बायकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, तो वाटर में की बायकार्बोनेट अल्कलिनिटी के साथ क्या हो रहा है रिएक्ट हो रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है ट्वाइस AlOH/3। ये रिएक्शन आपको याद करने पड़े न्यूमेरिकल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये रिएक्शन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ट्वाइस AlOH/3 फॉर्म हो रहा प्लस 3 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये परमानेंट हार्डनेस है, 18H2 मॉलिक्यूल है 6 CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये फॉर्म हो रहा है। और इसमें जो फ्लॉक है फ्लॉक क्या है Al2SO4 ये क्या है फ्लॉक है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है फ्लॉक है, ये इफेक्टिव ये पार्टिकल का फ्लॉक फॉर्मेशन में इफेक्टिवली हेल्प करता है। देन टू अनडिजायरेबल आउटकम्स ऑफ अबव रिएक्शन, अबव अगर एलम ऐड करने के बाद अल्कलिनिटी से रिएक्शन होती है उसकी, तो उसके बाद अनडिजायरेबल आउटकम्स है दो, वो कौन कौन से देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस बाय CaSO4, CaSO4 फॉर्म हो रहा है परमानेंट हार्डनेस से कैल्शियम सल्फेट, एक है परमानेंट हार्डनेस है, टर्बिडिटी तो रिमूव हो रही है लेकिन वाटर में क्या हो रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऐड हो जा रही है, इसलिए ये क्या है एक अनडिजायरेबल आउटकम है, डिसएडवांटेज है। देन फॉर्मेशन ऑफ CO2 विच इज करोजिव टू मेटल, CO2 फॉर्म हो रहा है, CO2 के वजह से भी एसिडिटी होती है वाटर में प्रेजेंट, तो इस वजह से क्या होगा कि मेटल जो रहेंगे मेटल करोड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या मोटर जो है मोटर्स करोड होने के ज्यादा चांसेस है, टैंक अगर मेटेलिक टैंक है तो वो भी करोड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए तो जो है वो डिसएडवांटेज है या फिर अनडिजायरेबल आउटकम के लगा है। लाइम इज एडेड इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलिनिटी, अगर वाटर में सफिशियंट अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है जैसे CaHCO3/2 अगर ये प्रेजेंट नहीं है वाटर में, ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या किया जाता है लाइम ऐड किया जाता है, तो लाइम ऐड करने के बाद अल्कलिनिटी जो होंगी प्रोड्यूस होंगी हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी प्रोड्यूस होंगी, तो कैसे देखिए एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice dot 18H2 प्लस 3 CaOH/3 हमने क्या किया लाइम ऐड किया, हाइड्रेटेड लाइम के लिए ऐड किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके ऐड किया, ये ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो तो सेम ही है, जो फ्लॉक्स बन रहे हैं Al OH/3 फ्लॉक सेम ही बन रहा है, प्लस कैल्शियम सल्फेट जो परमानेंट हार्डनेस वो भी फॉर्म हो रही है,
18H2 मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा है, सिर्फ जो 6CO2 मॉलिक्यूल वो फॉर्म में रहे, इसके वजह से एलएम ऐड करने की वजह से ये होगा कि जो करोजी मेटल को करोज करने की जो कैपेसिटी वाटर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। ये कब करेंगे हम, जब वाटर में अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। देन समटाइम्स सोडा एश यानी सोडियम कार्बन डी ऑक्साइड टू फॉर्म अल्कलिनिटी, इट डज नॉट कॉज हार्डनेस बट इट इज कॉस्टली। समटाइम क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट जो है सोडा एड वो ऐड किया जाता है इंस्टेड ऑफ जो है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद जो है क्या ऐड किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया। अब ये जो रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस थ्राइस Na2CO3 CO2 कैल्शियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट गेन फॉर्म क्या रहा, Al2OH/2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन Na2SO4 ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट क्या है, हार्डनेस कॉज नहीं करता, हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता वाटर में। पहले दोनों ऊपर के जो दोनों रिएक्शन देखे हमने, दोनों रिएक्शन में वाटर जो है वो वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस होगी, लेकिन तीसरी रिएक्शन में देखिए कि हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं रही, कौन सा भी सल्फेट सल्फेट ऑफ सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए इसमें सोडा ऐश अगर यूज किया हमने तो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं होंगी, ये एक एडवांटेज है सोडा ऐश। लेकिन जनरली वो कॉस्टली रहने की वजह से यूज नहीं किया जाता। देन क्लोरीनेटेड कॉपरस, अब नेक्स्ट जो कोवलेंट है वो है क्लोरीनेटेड कॉपरस, एक कॉम्बिनेशन जैसे फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड का कॉम्बिनेशन बन के क्या बनता है, क्लोरीनेटेड कॉपरस बनता है। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट Fe SO4.7H2 हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इज रेफर्ड एज कॉपरस, इसे कॉपरस बोला जाता है। इट हैज टू हायर सोलिबिलिटी टू एक्ट एज ए सेटिस्फैक्ट्री कोवलेंट एट यूजुअल पीएच पे, इसकी सोलिबिलिटी हाई है, सेटिस्फैक्ट्री कोवलेंट यूज करने के लिए। Therefore, it is oxidized to ferric sulfate. इसलिए क्या किया था, फेरिक सल्फेट भी क्या किया था, ऑक्सीडाइज किया था फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट FeRROS, फेरस सल्फेट को FeRRSC फेरिक सल्फेट को क्या किया था, ऑक्सीडाइज किया था, और उसके साथ में क्या किया था, फेरिक क्लोराइड को भी कन्वर्ट किया था बाय मिक्सिंग विद क्लोरिन, क्लोरिन ऐड करने बाद। और एक जो फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड है ये इफेक्टिवली कोवलेंट एज अ कोवलेंट यूज होते हैं, इफेक्टिवली फ्लॉक फॉर्म करते हैं। जैसे कि रिएक्शन में देखिए, फेरस सल्फेट है Fe SO4.7H2 प्लस Cl2 गिव्स फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस प्लस FeCl3, फेरिक सल्फेट भी फॉर्म हो रहा है और फेरिक क्लोराइड भी फॉर्म हो रहा है। देन फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड क्लोरीनेटेड कॉपरस, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, क्लोरीनेटेड कॉपरस बोलते हैं। बोथ आर इमीडिएटली अवेलेबल टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्लॉक, ये क्या करते हैं बाद में इजीली क्या करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड फ्लॉक जो वो फॉर्म करते हैं, जो जैसे Fe OH/3 जो है ये फॉर्म करते हैं। देखिए रिएक्शन में नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड थोड़ा एलम ऐड करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो। इसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें भी कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, जैसे इधर देखिए कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्या है परमानेंट हार्डनेस है, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड। तो फेरस सल्फेट भी अगर यूज किया तो भी जो कैल्शियम क्या बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस वो ऐड होने वाली वाटर में, और दूसरा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है जो फ्लॉक्स है, जो कि फेरिक सल्फेट से भी मिल रहा है हमें और फेरिक क्लोराइड से ही मिल रहा है, ठीक है। अब जो फेरिक क्लोराइड की जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है, फेरिक क्लोराइड की ऑप्टिमम पीएच रेंज बता रहा हूँ, उसकी पीएच रेंज है 3.5 to 6.5 एंड अबव 8.5, दो रेंज है। अगर वाटर की पीएच 3.5 से 6.5 के बीच में रहेगी तभी भी इफेक्टिवली यूज होगा, और 8.5 के ऊपर रहेंगी तभी भी ये इफेक्टिवली यूज होगा। फेरिक सल्फेट की पीएच रेंज 4 to 7 एंड अबव 9, 4 to 7 और 9 से ऊपर रहेंगी तो फेरिक सल्फेट इफेक्टिवली यूज होगा। ये था क्लोरीनेटेड कॉपरस। देन फेरस सल्फेट एंड लाइम, और फेरस सल्फेट कैन रिएक्ट विद नेचुरल कैल्शियम बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी इन वाटर, बट इट इज स्लो प्रोसेस।
फेरोसल्फेट जो नेचुरली अवेलेबल कैल्शियम बायकार्बोनेट अल्कलिनिटी जो उसके साथ रिएक्ट हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो, टाइम ज्यादा लगेगा, इफिशियंसी भी कम, हेंस लाइम इज एडेड इन वाटर। लाइम क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फेरोसल्फेट की लाइम के साथ फास्ट हो, फास्ट होने के बाद जो फेरस हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होगा Fe(OH)3, तो OH(2) वो क्या रहने वाला है, फ्लॉक रहने वाला है, और उसके बाद में इधर भी क्या हो रहा है, परमानेंट हार्डनेस फॉर्म हो रही है। देन फेरस हाइड्रोक्साइड इज इफिशियंट बट इट इज ऑक्सीडाइज बाय डिजोल्व ऑक्सीजन टू फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड जो वो इफेक्टिव है और इफिशियंट भी है, लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन अगर वाटर में प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड में। जैसे कि पीछे इधर Fe(OH)2+O2 का कन्वर्जन क्या होगा, Fe(OH)3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe(OH)3 में फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड भी इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड इफेक्टिव है। देन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज जिलेटियस फ्लॉक विच इज हीवियर फ्लॉक फॉर्म बाय एलम। एलम जो फ्लॉक फॉर्म कर रहा है उससे ज्यादा हेवी, यानी वेट जो है वो ज्यादा फेरिक फ्लॉक का है, इसीलिए इसकी जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी एलम से ज्यादा है। इफेक्टिव पीएच रेंज इज अबव 8, अबव पीएच रेंज इफेक्टिव हुआ है 8.5 से अबव है। देन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और लाइम भी यूज किया जाता है, MgCO3+CO2 यूज Mg(OH)2 एंड CuCO3, लेकिन वो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, हेंस इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड। ये जो ये वाटर में सोल्यूबल है, दोनों भी क्या है वाटर में सोल्यूबल है, और सोल्यूबल रहने की वजह से इफेक्टिवली यूज नहीं हो सकते, इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइम कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। इट इज यूज टू रिमूव ऑर्गेनिक कलर आयरन एंड मैंगनीज, ऑर्गेनिक कलर आयरन और मैंगनीज रिमूव करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। सोडियम एलिमिनेट जैसे Na2 Al2O4 ये सोडियम एलिमिनेट का फॉर्मूला, ये भी अल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट होकर जो है वो फ्लॉक्स फॉर्म करेगा। इधर भी देखिए अल्कलिनिटी के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, और परमानेंट हार्डनेस जो है CaCl2 और CaSO4 कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट इनके साथ भी रिएक्ट हो रहा है, इसलिए ये एक एडवांटेज है इसका कि फ्लॉक्स भी फॉर्म कर रहा है और परमानेंट हार्डनेस जो है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस दोनों क्या करता है, रिमूव करता है सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो रिमूव करता है। इसीलिए जनरली एज अ कोएगुलेंट यूज ना होकर या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव ना करके डिजॉल्व सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस क्या करता है, रिमूव करता है सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि एज अ वाटर सॉफ्टनर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर वाटर में हमें हार्डनेस रिमूव करना है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव करना है, तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव पीएच रेंज है 6 to 8.5, इसकी इफेक्टिव पीएच रेंज है 6 to 8.5। देन नेक्स्ट कोएगुलेंट है पॉली इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, एन नंबर्स रहेंगे, यानी बहुत ज्यादा नंबर्स में रहेंगे तो उसमें पॉली कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिसपे चार्जेस रहते हैं। इट इज हाई मॉलिकुलर वेट वाटर सोल्यूबल पॉलीमर, पॉलीमर्स क्या रहते हैं, मोनोमर्स अगर मल्टीपल्स में, सपोज जैसे पॉलीथीन है, इथीन जो कार्बन कंपाउंड है CH2, इथीन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर अटैच होगा तो पॉलीथीन फॉर्म करते हैं, पॉलीथीन जो है वो जैसे हम यूज करते हैं कैरी बैग वगैरह यूज करते हैं, वो पॉलीथीन जो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स से फॉर्म हो, मोनोमर्स कौन सा थे उसमें इथीन था, इसलिए वो पॉलीथीन था। इवन मोनोमर्स का मोनोमर्स एक जनरल टर्म है, पॉलीमर्स एक जनरल टर्म है, तो इधर भी क्या रहेंगे, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर फॉर्म हो, ठीक है, और इसीलिए उसका जो वेट रहता है, मॉलिकुलर वेट जो रहता है, वो मॉलिकुलर वेट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि एक कंपाउंड यूज नहीं हो, इधर एक ही प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड यूज हो रहे हैं। देन कैटायनिक, इसके जो टाइप्स है, कैटायनिक पॉलीमर है जिसका जो चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनायनिक पॉलीमर है जिसका चार्ज निगेटिव रहता है, देन नॉन एनायनिक पॉलीमर है जिसमें चार्ज भी नहीं रहता है, और ऐसे भी पॉलीमर है जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। देन कैटायनिक पॉलीइलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली एज अ कोएगुलेंट, कैटायनिक पॉलीमर जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या किया जाता है, यूज कर सकते हैं हम इसके लिए एज अ कोएगुलेंट यूज कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का भी क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए वो यूज किया जाता है। इधर भी कैटायनिक पॉलीमर का भी चार्ज क्या पॉजिटिव है, इसलिए हम ये भी यूज करते हैं। व्हाइल अदर्स कैन बी यूज एज अ कोएगुलेंट एड यानी जो कोएगुलेशन प्रोसेस होने वाली उसको, उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के, उसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए
हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे केमिकल, तो उसे कोगुलेंट एड कहा जाता है, यानी कि जो कोगुलेशन प्रोसेस की इफिशियंसी बढ़ा उसे कोगुलेंट एड कहा जाता है। तो अदर पॉलीमर जो है वो अदर पॉलीइलेक्ट्रोलाइट है वो एज अ कोगुलेंट एड ऐड कर सकते हैं, एज अ कोगुलेंट एड ऐड कर सकते हैं। और जो कैटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो एज अ कोगुलेंट एड भी ऐड कर सकते हैं और एज अ कोगुलेंट भी ऐड कर सकते हैं। देन पॉलीइलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्स इन लेस क्वांटिटी। अब पॉलीइलेक्ट्रोलाइट जो है वो जनरली बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, 100 टाइम्स 1000 100 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स क्वांटिटी जो है वो कम लगती है एज कम्पेयर टू एलम और क्या बोला जाएगा फेरस सॉल्ट की जो कोगुलेंट यूज करेंगे उसके कंपेरिजन में। इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ प्राइमरी कोगुलेंट इफ यूज इन कॉम्बिनेशन विद प्राइमरी कोगुलेंट। अगर जैसे पहले ही बोला मैंने आपको, अगर कॉम्बिनेशन में अगर यूज किए यानी पॉलीइलेक्ट्रोलाइट प्लस एलम अगर यूज किए तो एलम की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कम लगेंगी, इफेक्टिवली क्वांटिटी कम लगेगी, इसलिए जो स्लज फॉर्मेशन वो भी स्लज फॉर्मेशन भी क्या होगा कम होगा। इसलिए जनरली इफिशियंसी बढ़ाने के लिए और अदर एडवांटेजेस है जनरली और बहुत से एडवांटेजेस है जिससे वो अचीव करने के लिए क्या किया था, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट और एलम के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है अलग अलग प्रोपोर्शन का। देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस डोज ऑफ पॉलीइलेक्ट्रोलाइट इज 1 mg/L ऑफ वाटर। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पर जनरली जो पॉलीइलेक्ट्रोलाइट का जो डोज दिया जाता है पॉलीइलेक्ट्रोलाइट का डोज 1 mg/L प्रोवाइड किया जाता है। देन इट हैज वाइडर पीए ऑप्टिमम पीएच रेंज, इसकी जो पीएच रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे एल्युमिनियम सॉल्ट में एल्युमिनियम सल्फेट या फेरिक सल्फेट में हमने देखा कि उसकी पर्टिकुलर पीएच रेंज है, इसकी जो पीएच रेंज है पीएच रेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक एडवांटेज है पॉलीइलेक्ट्रोलाइट का। देन कंपेरिजन ऑफ एलम एंड आयन सॉल्ट। अब आयन सॉल्ट और एलम सॉल्ट का कंपेरिजन, आयन सॉल्ट फॉर्म्स हीवी फ्लॉक्स एज कम्पेयर टू एलम, हेंस मोर सॉलिड्स आर रिमूव। ये पहले बताया कि जो आयन सॉल्ट है आयन सॉल्ट हीवी फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं इसलिए जो रिमूवल इफिशियंसी वो ज़्यादा है। द टाइम ऑफ रिएक्शन इन फ्लॉक फॉर्मेशन इज लेस फॉर आयन सॉल्ट, हेंस टाइम रिड्यूसेस। आयन सॉल्ट की जो फ्लॉक फॉर्मेशन है तो फिर टाइम ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली सर वो बहुत कम है, इसलिए टाइम जो है वो आयन सॉल्ट में क्या लगता है कम लगता है। आयन सॉल्ट कैन वर्क इफिशियंटली ओवर वाइडर पीएच रेंज, एल्युमिनियम सल्फेट की पीएच रेंज 6.5 to 8.5 एक ही है, लेकिन आयन सॉल्ट की क्या है 4 to 7 और ग्रेटर देन 9 या फिर 3.5 to 6.5 और ग्रेटर देन 8.5, ये रेंज है दोनों की फेरिक क्लोराइड और फेरस सल्फेट की। आयन सॉल्ट कैन बी रिमूव कैन रिमूव टेस्टिंग ऑर्डर, एलम सॉल्ट भी रिमूव करता है टेस्टिंग ऑर्डर, इसलिए दोनों में क्या करना है। लेस मड बॉल फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू एलम, यानी कि जो स्लज फॉर्मेशन है वो फेरस सॉल्ट के बाद फेरस सॉल्ट अगर हमने कोगुलेंट यूज किया तो जो मड बॉल फॉर्मेशन है जो स्लज है वो स्लज कम फॉर्म होंगे एज कम्पेयर टू एलम। आयन सॉल्ट मेक वाटर मोर करोजिव एज कम्पेयर टू एलम सॉल्ट, एलम सॉल्ट की कंपेरिजन में आयन सॉल्ट क्या करता है वाटर को मोर करोजिव बनाता है। आयन सॉल्ट आर कॉस्टली देन एलम सॉल्ट, आयन सॉल्ट की जो एल्युमिनियम सल्फेट है सॉरी फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड जो इसकी जो कॉस्ट है एल्युमिनियम सॉल्ट से एल्युमिनियम सल्फेट से बहुत ज़्यादा है। देन एलम कोगुलेशन मे नॉट बी प्रॉपर इफ के और एन यानी सोडियम और पोटेशियम आर प्रेजेंट इन वाटर, अगर वाटर में पोटेशियम और सोडियम अगर प्रेजेंट है तो एल्युमिनियम सल्फेट से जो कोगुलेशन है इफेक्टिवली नहीं हो सकता है। ये सब थे जो वो केमिकल कोगुलेंट के। अब नेचुरली अवेलेबल कोगुलेंट्स कौन कौन से जो नेचुरली हमें इजीली मिल जाएंगे प्लांट्स के थ्रू सीड्स के थ्रू, तो वो कौन से वो देखते हो। फर्स्ट है मोरिंगा ओलेफेरा। मोरिंगा ओलेफेरा यानी कि जो ड्रमस्टिक जो रहती है उसकी जो सीड्स रहती है इधर उसकी सीड्स दिखती है उसकी जो सीड्स रहती है उसकी सीड्स का पाउडर बनाने के बाद जो पाउडर बनता है उसे हम एज अ कोगुलेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में टैमरिन सीड यानी जो इमली रहती है इमली की जो बीज रहेंगी सीड्स रहेंगी उससे भी हम कैसे कोगुलेंट बना सकते हैं। देन कॉमन बीन, देन निकोना सीड्स एंड निर्मली सीड, दिस ऑल आर द नेचुरल कोगुलेंट्स। इन नेचुरल कोगुलेंट्स के जैसा हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। देन
मेथड ऑफ फीडिंग कोगुलेंट्स, कोगुलेंट्स फीड करने के बाद कोगुलेंट्स जो है ऐड करने के मेथड सुनते हैं। जनरली दो मेथड्स हैं, ड्राई मेथड का और दूसरी है वेट मेथड। ड्राई मेथड में जो कोगुलेंट और ड्राई फॉर्म में ऐड किया जाता है, वेट मेथड में तो कोगुलेंट उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, सोल्यूशन बनाने के बाद उसे वाटर में ऐड किया जाता है। तो ड्राई मेथड में कौन कौन से टाइप के दिखते हैं, फर्स्ट है बाय टूथ ओवी और सेकेंड है बाय हेलिकल स्पिन। तो इसमें क्या किया जाता है, ये सपोज कुंकन हॉपर्स है, ये क्या है कुंकन हॉपर्स है, कुंकन हॉपर्स में क्या किया जाता है, जो एलिमेंट या फिर कोगुलेंट और कोगुलेंट ऐड किया जाता है, कोगुलेंट जो कोगुलेंट ऐड करने के बाद उससे एजिटेटर एजिटेटिंग प्लेट जो होती है, प्लेट और प्लेट क्या करती है, कोगुलेंट को मिक्स करती है और उसे स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स क्या करती है, कन्वर्ट करती है। और उसके बाद में नीचे जो दिख रहा है जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट क्या करता है, ये इक्विपमेंट उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कोगुलेंट है कोगुलेंट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में ही वाटर जो टैंक है मिक्सिंग चैनल है मिक्सिंग चैनल में डायरेक्टली ऐड किया जाता है, यहीं पर जो है वो रैपिड मिक्सिंग की जाती है, कोगुलेंट जो है वो प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। दूसरी जो मेथड है अपना हेलिकल स्पिन है, तो हेलिकल स्पिन में भी सेम क्विंकल हॉपर को ऐड किया, उसके उसके साथ में एजिटेटिंग प्लेट्स है जो उसे स्मॉलर स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करती है किसे कोगुलेंट को। उसके बाद में इधर जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हेलिकल स्क्रू और हेलिकल गियर जो उसके हिप्स के लिए जाता है, जो कोगुलेंट है कोगुलेंट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कोगुलेंट है वो मिक्सिंग चैनल में ऐड कर किया जाता है और यहाँ पे मिक्सिंग चैनल में डायरेक्टली जो वो कोगुलेंट की मिक्सिंग होती है। तो ये था ड्राई फीडिंग। ड्राई फीडिंग में सबके जो कोगुलेंट है उसे पाउडर फॉर्म में क्या किया जाता है, मिक्सिंग चैनल में ऐड किया जाता है। देन मेथड ऑफ फीडिंग कोगुलेंट्स में नेक्स्ट मेथड है वेट मेथड। वेट मेथड में भी दो टाइप है, वेट फीडिंग बाय क्विंकल प्लग, वेट फीडिंग बाय क्विंकल प्लग। एक क्विंकल प्लग के साथ जो क्विंकल प्लग है ये अभी किस प्रकार होता दिखा था आपको, एक फीडिंग टैंक है, ये फीडिंग टैंक में केमिकल का क्या किया गया एडिशन किया गया और यहाँ पे जो जो वाटर में दिख रहा है ये जो टैंक के अंदर जो सोल्यूशन वो कोगुलेंट सोल्यूशन है, यानी कोगुलेंट वाटर में ऐड करके जो सोल्यूशन आ रहा है ना वो सोल्यूशन है वो कोगुलेंट सोल्यूशन। तो फिर उसके बाद इधर क्या क्विंकल प्लग है, क्विंकल प्लग क्या कर रहा है, इसका फ्लो जो है वो कोगुलेंट का जो फ्लो है वो कोगुलेंट का फ्लो चैनल में ऐड नहीं कर रहा है। तो ये कब ऐड कर रहा है बता दो, इधर देखिए रॉ वाटर चैनल है फ्लो चैनल है, तो इसमें की जो वाटर है लोड की वाटर लेवल सेम है, जब इसकी जो वाटर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पर आती है तो फ्लो जो है वो पहले वाटर लेवल कम रहेंगे तो फ्लो भी क्या रहेंगे नीचे रहेंगे, जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्लो की जो पोजिशन है ऊपर रहेंगे। फ्लो की पोजिशन सपोज ये पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट पे आने के बाद जो इधर रैक और गियर अरेंजमेंट रहेगी ये क्या करेंगे, रैक और गियर अरेंजमेंट से रोटेट होना है, रोटेट होने के बाद इसके जो पुली के थ्रू जो ये पुली पे स्ट्रिंग के थ्रू क्विंकल प्लग जो क्विंकल प्लग अटैच किया गया और ये प्लग क्या किया गया है, प्लग ऊपर आएगा इसकी जो न्यू पोजिशन रहेगी, न्यू पोजिशन क्या रहेगी इसकी, न्यू पोजिशन सपोज इधर आ गई, इधर आ गई न्यू पोजिशन, इधर आकर ये जो पोजिशन है ये पोजिशन क्या हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा रॉ चैनल रॉ वाटर चैनल में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। फिर से जब ऊपर आएगी इसकी वाटर लेवल कम होगी, वाटर लेवल कम होने के बाद क्या होगा ये जो प्लग है प्लग ऑटोमेटिकली नीचे आने का जो कोगुलेंट का जो डोजिंग है डोजिंग का आने का स्टॉप हो जाएगा, ये क्विंकल प्लग वेट फीडिंग में था। देन इसके बाद में नेक्स्ट मेथड जो है वो है वेट फीडिंग का एडजस्टेबल गियर। एडजस्टेबल गियर के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, कॉन्स्टेंट हेड टैंक रहता है, ये कॉन्स्टेंट हेड टैंक है, इसमें एडजस्टेबल गियर रहता है, ये एडजस्टेबल गियर ये सिलेंड्रिकल शेप में और इसके इसके सरफेस पे क्या रहता है परफोरेशन रहते हैं होल्स रहते हैं, इसके थ्रू जो रहता है केमिकल डोजिंग जो है या फिर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन इसके अंदर आता है। इसके बाद में इसके थ्रू क्या किया जाता है वो रॉ वाटर चैनल में मिक्स होता है, वो किस प्रकार मिक्स होता है, इधर भी सेम फ्लोटिंग अरेंजमेंट है, वाटर लेवल कम रहेंगे तो फ्लोट जो नीचे रहेंगे, वाटर लेवल बढ़ेंगे तो फ्लोट ऊपर रहेंगे, न्यू फ्लोट ऊपर रहेंगे तो कंट्रोल है इधर काउंटर वे। तो इसके वजह से क्या है ये पोजिशन भी ऊपर जाएंगे, पोजिशन ऊपर जाएंगे वाटर जो वाटर का होगा या फिर वाटर नहीं सॉरी जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा ये रॉ वाटर के चैनल में आएगा और यहाँ पे क्या होगा पॉपुलेशन का फीडिंग होगा। ये जो मेथड है वेट फीडिंग बाय एडजस्टेबल गियर। देन
रैपिड मिक्सिंग प्रोसेस, रैपिड मिक्सिंग प्रोसेस या फिर रैपिड मिक्सर का आया था, जब कोगुलेंट ऐड करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं हमें रैपिड मिक्सिंग करनी, बहुत फास्ट मिक्स करना पड़ता है वाटर को, तो उसे हम रैपिड मिक्सिंग भी क्या है, रैपिड मिक्सर डिवाइस भी रहते हैं, जैसे उसे फ्लैश मिक्सर भी कहा जाता है, देखिए डायग्राम फ्लैश मिक्सर। तो कोगुलेशन प्रोसेस फिजिकली ऑफर इन रैपिड मिक्सर, रैपिड मिक्सर में कोगुलेशन प्रोसेस जो वो ऑफर होती है। मिक्सिंग इज कॉमनली रिफर्ड एज फ्लैश मिक्सिंग, फ्लैश मिक्सिंग, रैपिड मिक्सिंग और इनिशियल मिक्सिंग, ये तीनों मिक्सिंग के नाम है कि जब कोगुलेंट ऐड करते हैं, फ्लैश मिक्सिंग बोलो, रैपिड मिक्सिंग बोले या इनिशियल मिक्सिंग बोले। देन द नीड ऑफ रैपिड मिक्सिंग, रैपिड मिक्सिंग की क्या स्लो मिक्सिंग करने के क्या होगा, रैपिड मिक्सिंग भी करना है। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड अल्कलिनी इज फास्ट, जो अल्कलिनिटी है वाटर में भी प्रेजेंट है, अल्कलिनिटी अल्कली की वजह से अल्कलिनिटी करना चाहिए, तो जो रिएक्शन है रिएक्शन जो है फास्ट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने वाटर में कोगुलेंट ऐड किया उसी के बाद हमें जो मिक्सिंग है मिक्सिंग फास्ट करने के लिए यानी कि जो कोगुलेंट हमने ऐड किया वो हर एक पॉइंट में जाकर क्या हो मिक्स हो टैंक के, सपोज ये टैंक है, रैपिड मिक्सर है, फ्लैश मिक्सर है, अगर हमने ये पॉइंट पे क्या किया है कोगुलेंट की तरफ से, ठीक है सपोज ये पॉइंट से यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ कोगुलेंट के निकल, कोगुलेंट जो है उसका यूनिफॉर्म डिस्पर्शन होना चाहिए, जैसे कि अगर आपने ऐड कर दिया तो सिर्फ मेन पोर्शन का रहना नहीं चाहिए, ऊपर के पोर्शन में भी आना चाहिए, साइड के पोर्शन में भी आना चाहिए, सब जगह जो कोगुलेंट का जो है डिस्पर्शन होना चाहिए, इसलिए रैपिड मिक्सिंग करते हैं। टू अवॉइड डेड पॉकेट इन द रैपिड मिक्सर, डेड पॉकेट यानी ऐसा एरिया या फिर ऐसा स्पेस जहाँ पर कोगुलेंट पहुंचा ही नहीं, यहाँ पर कोगुलेंट अल्टीमेटली रिएक्शन ही नहीं, उसे क्या आएगा डेड पॉकेट, तो वो अवॉइड करने कहते हैं, वो अवॉइड करने के लिए भी रैपिड मिक्सिंग किया जाता है। और इधर देखिए एक स्मॉल रैपिड मिक्सर है, डिवाइस है, टैंक है, इसमें इधर मोटर रहती है ऊपर नीचे, जो ये नीचे प्रोपेलर्स या ब्लेड ब्लेड्स या पैडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसकी वजह से मोटर्स क्या होती है, मोटर्स हाई स्पीड से हाई रोटेशन से क्या होती है घूमती है, इसकी जनरली जो रोटेशन स्पीड रहती है 100 to 120 आरपीएम रहती है, 100 to 120 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से जो कंपनता रहता है मिक्सिंग में, उस मिक्सिंग के हिसाब से क्या होता है कि जो कोगुलेंट और वॉगुलेंट हर जगह जो है वो पहुँचता है। मेथड ऑफ रैपिड मिक्सिंग, मैकेनिकल डिवाइसेज इन डेडिकेटेड चैनल, मैकेनिकल डिवाइसेज जो अभी बताया तो मैकेनिकल डिवाइस ही है, जैसे इधर देखिए मैकेनिकल डिवाइस, इधर मोटर रहने वाली है, फिर पैडल्स रहेंगे या वेपर्स रहेंगे या फिर प्रोपेलर्स रहेंगे, जो ये मिक्स होंगे तो वाटर भी मिक्स होगा, लेकिन जनरली क्या होता है आपको पता है अगर सर्कुलर चैनल रहेगा या ये सर्कुलर शेप के रहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप स्क्वायर शेप भी नहीं रहते, क्यों नहीं आपको पता, तो क्योंकि स्क्वायर शेप के अगर बना है तो क्या होगा ये जो पोर्शन रहता है ये पोर्शन का जो वाटर है ये वाटर इधर रहता है, ये वाटर इधर इनका भी मिक्सिंग भी नहीं होगा, इसलिए इतना पोर्शन क्या रहता है वेस्ट जाते हैं, जनरली स्क्वायर शेप के नहीं बनाते हैं, सर्कुलर शेप के बनाने के बाद क्या होता है इसमें वर्कपीस तैयार होते हैं, जो एडीज है एडी करंट जो अभी फॉर्म होते एडीज जो वो एडीज फॉर्म होते हैं वर्क पे जो भाग होते हैं टाइम वो तैयार होते हैं, वो तैयार होने से रिलेटिव मोशन बन जाते हैं, उस वजह से प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होता है केमिक कोगुलेंट, इसीलिए क्या किया जाता है इसके सर्फेस पे वेपर वॉल जो है वेपर प्लेट्स क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है, फिर वेपर प्लेट्स रहने की वजह से वेपर प्लेट्स रहने की वजह से क्या होगा अगर जब मिक्सिंग करेंगे मिक्सिंग करने के बाद वाटर इधर से मिक्स होगा ये वेपर वॉल्स पे ऑब्स्ट्रक्ट होकर वाटर बैठ जाएगा, यानी टर्बुलेंस मैक्सिमम टर्बुलेंस भी मैक्सिमम मिलेगा और जो एडीज और जो वर्कपूल जो तैयार होने लगे वो भी तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैकेनिकल डिवाइसेस अगर यूज करेंगे रैपिड मिक्सर यूज करेंगे तो उस पर वेपर के सर्फेस पे वेपर वॉल प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इनलाइन ब्लेंडर्स के रहते हैं जैसे पाइप का फ्लो है जो पाइप से वाटर फ्लो होने आ रहा है उसी में क्या किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनलाइन ब्लेंडर्स प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो केमिकल का डोजिंग है वो केमिकल का डोजिंग यहाँ इधर ही प्रोवाइड किया था और पाइप के अंदर ही प्रोवाइड किया था, पाइप में ही क्या किया जा रहा है रैपिड मिक्सिंग पाइप में क्या किया जा रहा है कोगुलेंट ऐड किया जा रहा है। हाइड्रोलिक मेथड,
जहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, वहाँ पे हाइड्रोलिक मेथड, उसे हाइड्रोलिक मेथड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोलिक जंप आपको पता रहेगा, हाइड्रोलिक जंप मैंने सपोज ये भी है, ये के ऊपर वाटर फॉल हो रहा है, तो इधर क्या होता है हाइड्रोलिक जंप के होता है, और इधर टर्बुलेंस मैक्सिमम रहता है, तो इधर केमिकल का डोजिंग करेंगे तो मैक्सिमम मिक्सिंग होता है, प्रॉपरली प्रॉब्लम मिक्स होना। जैसे इधर भी देखिए, इधर क्या हो रहा है मिक्सिंग जो है, इधर मिक्सिंग बहुत है, वाटर का टर्बुलेंस बहुत है, इधर आपने कॉगुलेंट ऐड किया तो कॉगुलेंट इफेक्टिवली क्या होगा मिक्स होगा। इसे हाइड्रोलिक मेथड भी कहा जाता है। इधर एनर्जी का जो एनर्जी भी है, जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती है कॉगुलेशन प्रोसेस में। देन इधर भी देखिए, इधर भी क्या किया गया है, हाइड्रोलिक जंप क्रिएट किया गया है, फिर टर्बुलेंस क्रिएट किया गया है, और इधर कॉगुलेंट का फीडिंग देखिए, इधर की पाइप के थ्रू क्या किया गया है, कॉगुलेंट क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे थे, केमिकल सॉल्यूशन वेट फीडिंग दी गई इधर उधर जो है, ये वेट फीडिंग है, जो कॉगुलेंट का जो सॉल्यूशन है, कॉगुलेंट का सॉल्यूशन इधर वाटर में क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है, इधर टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, इधर भी प्रॉपर मिक्स हो रहा है, ये जो है ये भी हाइड्रोलिक मेथड है। देन एयर मिक्सिंग, एयर मिक्सिंग भी क्या होता है, सपोज अगर एक चैनल है, ये चैनल है, चैनल के बेस में अगर मैंने डिफ्यूजर, डिफ्यूजरेटर्स अगर प्लेस कर देते, डिफ्यूजरेटर क्या करेंगे बाहर के एयर जो रहेंगे वो इधर इंड्यूस करेंगे, उसके वजह से बबल्स फॉर्म होंगे, मिक्सिंग होंगे, टर्बुलेंस मैक्सिमम होंगे, उसके वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं कोगुलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और जनरली इसी तरह की होता है कि सेपरेट कोगुलेशन उन्हें पॉइंट ना करके एरेशन के साथ ही कैस्केड एरेटर के साथ बोला गया है, फिर चैनल में ही रैपिड मिक्सिंग मिक्सर या फिर चैनल में ही कोगुलेशन प्रोसेस की जाती है। मेथड ऑफ स्लो मिक्सिंग कैलकुलेशन किस प्रकार किया था, हाइड्रोलिक कैलकुलेटर है, जैसे देखिए इधर हाइड्रोलिक कैलकुलेटर, अब इधर क्या है नंबर ऑफ चैनल प्रोवाइड किए गए, इधर ये जो टोटल रेक्टेंगुलर जो चैनल था, टोटल जो टैंक था, ये टैंक को डिवाइड किया गया बैफल वॉल प्रोवाइड कर दिए, बैफल वॉल है, बैफल वॉल प्रोवाइड, और वाटर के फ्लो के डायरेक्शन भी तो इस प्रकार है, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन इस प्रकार है, वाटर का इसलिए टर्बुलेंस नहीं दिख रहा है, तो जब वाटर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आता है तो इधर टर्बुलेंस ज्यादा होता है, फिर बाद में वाटर ये पॉइंट से इधर जाएगा, इधर ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, इधर टर्बुलेंस ज्यादा रहेगा, तो इधर टर्बुलेंस ज्यादा, फिर वाटर ये पॉइंट पे आएगा तो इधर टर्बुलेंस ज्यादा रहेगा, तो ये जो है इधर टर्बुलेंस ज्यादा रहने की वजह से जो मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग प्रॉपरली हमें इसे हाइड्रोलिक कैलकुलेटर कहा जाता है। हाइड्रोलिक कैलकुलेटर दो टाइप के रहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सपोज तो हॉरिजॉन्टल है, ये सपोज एक प्लान है, ये जो डायग्राम है प्लान है, तो ये जो प्लान है ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेटर है, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेटर वाटर का जो है, ये अभी जो बता मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कैलकुलेटर इस प्रकार में जैसे बैफल वॉल प्रोवाइड किया गया, वाटर का जो पैसेज है, वाटर का पैसेज इस प्रकार है, जहाँ जहाँ वाटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ वहाँ कोगुलेंट अगर मिक्स करेंगे तो प्रॉपरली मिक्सिंग होगी उसे, और इधर क्या रहेंगे, इधर जो कोगुलेंट की जो क्या बोलेंगे, इधर जो वाटर की जो टर्बुलेंस है, इधर वाटर का टर्बुलेंस ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसे स्लो मिक्सिंग भी कहते हैं, और इसीलिए इसे फ्लोकुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोकुलेशन प्रोसेस में हमें जो मिक्सिंग स्लो मिक्सिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमें स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल बड़ा बनाना होता है। अगर रैपिड मिक्सिंग करती है फ्लोकुलेशन में भी, तो क्या होगा स्मॉलर साइज का पार्टिकल बड़े साइज के पार्टिकल को अटैच तो होगा, लेकिन फिर से भी उसकी वेलोसिटी अगर फिर से डिटैच हो जाएंगे, इसलिए स्लो मिक्सिंग प्रोवाइड की जाती है। यह वर्टिकल टाइप, वर्टिकल टाइप में इनलेट ये रहता है, सबको सेक्शन है, तो वाटर इधर से फॉल होगा, इधर गिरेगा, यहाँ पे टर्बुलेंस होना, तो ये वाटर इधर से ये डायरेक्शन में जाना है, ये वर्टिकल मोशन अप एंड डाउन इस तरह फॉलो होकर इधर जाना, तो ये फ्लोकुलेटर है, हाइड्रोलिक फ्लोकुलेटर वर्टिकल टाइप का। देन मैकेनिकल फ्लोकुलेटर, मैकेनिकल फ्लोकुलेटर इस टाइप का रहता है, मोटर रहेगा, शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट रोटेड रहेगा, शाफ्ट को अटैच रहते हैं प्लेट्स, ब्लेड्स बोलेंगे हमसे कैलकुलेटर के प्लेट्स, और ये इसके थ्रू क्या होती है मिक्सिंग होती है, इसे आप कहते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर। थैंक यू।